हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज 1.4 पॉइंट फोर फ्रॉम पी एस सी बी टेक्सट बुक फाइन दैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में है 5 डिवाइडेड बाय माइनस वन अब यहाँ पर देखो 5 डिवाइडेड बाय माइनस वन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सो so, यहाँ पर हम बॉड मार्स के रूल को फॉलो करेंगे सो so, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमने सॉल्व करनी होती हैं ब्रैकेट्स उसके बाद ऑफ सो ऑफ से मतलब है अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है वन थर्ड ऑफ थर्टी तो हम ऐसी स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद हम सॉल्व करेंगे डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन अब यहाँ पर फाइव डिवाइडेड बाय माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है सो so, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे ओके सो दिस इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय अब स्क्वायर ब्रैकेट में है फाइव डिवाइडेड बाय माइनस वन सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ फाइव अपॉन माइनस वन दिस इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में है माइनस का साइन सो so, जब भी माइनस का साइन डिनोमिनेटर में हो तो इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में ले आते हैं सो ये बन जाएगा माइनस फाइव अपॉन वन दिस इज इक्वल टू अब डिनोमिनेटर में वन लिखने का तो कोई मतलब नहीं है सो ये हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फाइव सो माइनस फाइव को हम यहाँ पर लिख लेते हैं छोटी ब्रैकेट में क्योंकि माइनस फाइव के सामने है डिवीजन का साइन सो माइनस फाइव को अगर हम छोटी ब्रैकेट में लिख लेंगे तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा ओके दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अपॉन माइनस फाइव सो जिस नंबर के साथ हम डिवाइड कर रहे होते हैं उस नंबर को हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में सो so, ये आ जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फाइव दिस इज इक्वल टू अब वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फाइव के साथ डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट है फाइव सो फाइव वन ज फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव इज वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सो ये आ गया ट्वेंटी फाइव अपॉन माइनस वन सो दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पर देखो माइनस का साइन है डिनोमिनेटर में सो so, साइन को हम ले जाएंगे ऊपर न्यूमिरेटर में सो दिस विल बी माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन वन सो इसको हम लिख लेंगे माइनस ट्वेंटी फाइव क्योंकि डिनिनेटर में वन लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ठीक है

169 अपॉन 13 जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय, सेकंड ब्रैकेट में आएगा 26 सिक्स अपॉन टू दिस इज इक्वल टू अब 13 इंटू थर्टीन होता है 169. हंड्रेड so सो यहाँ पर आ जाएगा 13. अगर आपको ऐसे सीधा डबल टेबल नहीं आता है थर्टीन का तो आप 169 को 13 के साथ डिवाइड करके यहाँ पर देख सकते हो ठीक है सो so जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे डिवाइडेड बाय 13 टू ज ट्वेंटी सिक्स सो यहाँ पर आ जाएगा 13। सो दिस इज इक्वल टू 13 अपॉन थर्टीन सो ये आ जाएगा वन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे सो वन इज द आंसर सो so, यहाँ पर मैं वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन को थर्टीन के साथ डिवाइड करके भी आपको दिखा देती हूँ थर्टीन वन जा थर्टीन यहाँ बचे थ्री थर्टीन थ्री जर्टी नाइन ओके सो थर्टीन इंटू थर्टीन होता है वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन थर्ड पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट में है माइनस वन हंड्रेड फाइव डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई सेवन सो बॉडमास का रूल फॉलो करो पहले आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट्स, सो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं पहले पहले आपने उन नंबर्स को डिवाइड करना है ठीक है सो दिस इज इक्वल टू माइनस वन हंड्रेड फाइव अपॉन थ्री जिस नंबर के साथ आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर आएगा डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय सेवन दिस इज इक्वल टू अब वन हंड्रेड फाइव थ्री के साथ डिविजिबल है वन हंड्रेड फाइव के डिजिट्स का सम कितना है फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स थ्री के टेबल में आता है सो थ्री वन ज़ा थ्री ये आ जाएगा थ्री थ्री ज़ा नाइन टेन माइनस नाइन बच्चा वन साथ में आया फाइव फिफ्टीन थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन सो ये आ गया माइनस थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय सेवन दिस इज़ इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव अपॉन सेवन सेवन वन ज़ा सेवन सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव सो दिस इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन वन लिख लो अगर आपने लिखना है तो सो so फाइनली आप आंसर में लिखोगे माइनस फाइव क्योंकि डिनोमिनेटर में वन लिखने का कोई मतलब नहीं है सो so आंसर आ जाएगा माइनस फाइव अब यहाँ पर एक ही माइनस का साइन है सो so आंसर में भी यहाँ पर आएगा माइनस का साइन सो माइनस फाइव इज द आंसर सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इन द कमिंग वीडियोज वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर